प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज के इसी कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे प्रगतिवादी विचारधारा के उन्नायक प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना बहुत दिनों के बाद। यहाँ पर इस ई कंटेंट में हम बहुत दिनों के बाद कविता के अंतिम अंश की अंतिम भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कवि ने किस प्रकार से अपना एक ग्रामीण परिवेश के प्रति एक कवि की लेखनी को माध्यम बनाते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद अब कि मैं जीवर छू पाया, बहुत दिनों के बाद अब कि मैं जीवर छू पाया, अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जीवर तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जीवर बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जीवर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। कवि इस अवतरण के माध्यम से कहता है कि ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने संपूर्ण इंद्रिय बोध के स्तर पर कवि प्रसन्नता प्रकट करता हुआ कहता है कि बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा सु अवसर मिला है कि मैं अपनी गांवी पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, अपने गांव की ओर जाने वाली जो कच्चा रास्ता है, जो पतली पगडंडी है, उसकी चंदन वर्णी चंदन के वर्ण वाली चंदन के समान रंग वाली धूल का स्पर्श पा सका हूँ। कवि कहता है कि मुझे बहुत दिनों के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं काफ़ी समय के बाद अपने गांव की ओर जाने वाली जो पतली सी पगडंडी है, जो कच्चा रास्ता है, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, जिस पर धूल बिखरी हुई है, उस चंदन के समान रंग वाली धूल को स्पर्श करने का मुझे काफ़ी समय के बाद सौभाग्य मिला है। बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जीवर तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जीवर बहुत दिनों के बाद, मुझे ऐसी प्रसन्नता बहुत दिनों के बाद प्राप्त हुई है कि मैंने बहुत दिनों के बाद जी भर करके तालम खाना खाया और गन्ने को चूसा है। कवि कहता है कि जब मैं ग्रामीण परिवेश में अपने गांव में गया तो मुझे बहुत दिनों के बाद तालम खाना जैसा खाद्य फल और गन्ना जैसा मधुर फल चूसने को और खाने को मिला। भाव यह है कि कई दिनों के बाद अपने ग्रामीण परिवेश एवं जन्म स्थान के सुख का मधुर अनुभव हुआ। कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी जन्मभूमि पर, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर भोगे, कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी जन्मभूमि पर गंध रूप रस शब्द स्पर्श इन पांचों भौतिक तत्वों को एक साथ जी भर करके भोगा है, अर्थात अपनी जन्मस्थली के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके हार्दिक अनुभव कर प्रसन्नता प्राप्त की है। कवि यहाँ पर बताना चाहता है कि मैंने एक साथ ही काफ़ी दिनों के बाद ग्रामीण परिवेश में जाकर के जो ज्ञानेंद्रियों के पांचों स्वाद हैं, जो पांचों कार्य हैं, उनको अनुभूत किया है। मैंने अपनी जन्मभूमि पर बहुत दिनों के बाद जाकर के गंध रूप रस शब्द स्पर्श इन पांचों भौतिक तत्वों को एक साथ जी भर करके भोगा है, अनुभूत किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यह बताना चाहता है कि मुझे अपने गांव की जन्मभूमि पर बहुत दिनों के बाद जाने पर एक साथ पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो गुण हैं उनको अनुभूत करने का, उनको भोगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कवि प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ साथ मानव श्रम एवं अपने परिवेश के प्रति आत्मबोध भी व्यक्त करता है। पांच भौतिक पदार्थों से इस समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये मानव शरीर भी पंचभौतिक ही हैं। जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य से आत्मिक संबंध बता करके कवि ने आनंदानुभूति की व्यंजना की है। यहाँ पर कवि ने पार्थिव शरीर के साथ साथ जो शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, जिन पांच तत्वों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन सभी को एक साथ भोगने का
जो उसे सौभाग्य मिला है उसके लिए वह ग्रामीण परिवेश को, अपनी जन्मभूमि को धन्यवाद ज्ञापित करता है और साथ ही साथ कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ कहता है कि ये समय मुझे काफ़ी दिनों के बाद अनुभूत हुआ है, ये अवसर मेरे सामने काफ़ी दिनों के बाद आया है कि एक साथ मुझे प्रकृति के पांचों ही जो तत्व हैं उनके गुणों को भोगने का, अनुभूत करने का, उनको आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कवि यहाँ पर अपने ग्रामीण परिवेश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति, प्रकृति के प्रति जो आत्मीयता व्यक्त करता है वह निश्चित रूप से आज भी ग्रामीण परिवेश में जाकर के देखने पर लोगों को अनुभूत होती है। शहरी क्षेत्र से दूर ग्रामीण इलाकों में आज भी प्रकृति के पांचों तत्व अपने अपने क्रियाकलापों को आमजनों के लिए फैलाते हुए देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज भी जब ग्रामीण परिवेश में काफ़ी दिनों के बाद कोई शहरी व्यक्ति जाता है तो वह प्रकृति की गोद में जाकर के अपने आप को धन्य महसूस करने लगता है, ऐसा कवि ने यहाँ पर अपना भाव प्रकट किया है। जय हिंद, जय भारत।